दोस्तों चाइना आज एक्सटेंसिव लेवल पे डैम्स बना रहा है और भारत के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। 2016 में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना के पास 87,000 से भी ज्यादा डैम्स हैं। चाइना इन डैम्स की मदद से लाखों लीटर पानी स्टोर करना चाहता है जिससे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सके, पर साथ ही वो अपने नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और खास तौर पे इंडिया में जाने वाले पानी को कंट्रोल करना चाहता है जिससे सूखे और बाढ़ जैसी कंडीशंस को डेवलप किया जा सके। इंडिया में बहने वाली बहुत सी रिवर्स जैसे कि ब्रह्मपुत्र, कोसी, सुतलज और इंडस का ओरिजिन चाइना के ऑटोनोमस रीजन तिब्बत से होता है और चाइना इसका फायदा भी उठाता आया है। जैसे कि 2017 की डोकलाम क्राइसिस के बाद चाइना ने अपना हाइड्रोलॉजिकल डेटा इंडिया के साथ शेयर करने से मना कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि चाइना की तरफ से लाखों लीटर पानी छोड़ा गया जिससे असम में ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ गई। दोस्तों आपके अकॉर्डिंग कैसे चाइना के इस कंट्रोल को काउंटर या डाइल्यूट किया जा सकता है?